मानहानि के दावे ते एक केस दर्ज करवाया गया सी, जिसके सिलसिले दे विच अज विक्रम सिंह मजीठिया अमृतसर अदालत विच पहुंचे ने। तां उत्थे विक्रम सिंह मजीठिया दे वल्लों वड्डे सवाल आम आदमी पार्टी दे उत्ते खड़े कीते गए ने। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि पिछले दिनी जो विधानसभा सैशन सद्या गया वह पूरी तरीके दे नाल गैर कानूनी है, भगवंत मान तो इसकी रिकवरी करनी चाहिए है। तो नाल ही उन्होंने कहा है कि अमृतसर की अदालत में जो पेश हुए ने, उन्होंने केस बाबत टिप्पणी करते हुए कहा कि केस का फैसला तो पहला ही हो चुका है। उन्होंने कहा कि पहला आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने माफ़ी मांग के अपना खेड़ा छुड़वाया सी, हुण जो मैनु कॉलर तो फड़ के जेल भेजन की गल करते संजय सिंह खुद इस समय जेल दे विच बंद हैं। उन्होंने कहा है कि हुण संजय सिंह दे वकील वालों अदालत तो संजय सिंह नूं प्रोटैक्शन वारंट ते लियाउण दी मंग की जा रही है। तो होर की कुछ कहा है विक्रम सिंह मजीठिया ने, आओ सुनते हैं। एक अज पेशी सी जिस केस च अरविंद केजरीवाल ने ते आशीष खेतान ने माफ़ी मंग ली है, वो संजय सिंह का केस सी। मकसद तो उन्होंने अंदर कराने का सी, रब वालों आप ही अंदर हो गया। तो हुण तां हमदर्दी है कि भाई असी तो जिहड़ा काम कोर्ट राही कराना सी रब नहीं सुन ली पहला, तो हुण की कहना उहदे बारे। सर सानू जिहड़ा कहिंदा सी कालर तो फड़ के अंदर करावांगे, वह आप ही कालर तो फड़ के उन्होंने अंदर देता, हुण आ जाए बाहर। सर वेख्या गया कि हर वारी केजरीवाल सरकार ने पंजाब नाल धोखा भी कीता, परमात्मा हर बन्ने सच्चाई दा साथ देंदा मंदे। देखो गुरु साहब की बड़ी बख्शिश है, मैं हमेशा ये गल कहना लल्लू करे कवलियाँ रब सिद्धियां पावे। जिन्हां जिन्हां लोगों ने पावर की दुरवरतों की, झूठ का सहारा लिया, झूठ की पॉलिटिक्स की, अज सारे एक्सपोज हो रहे, एक एक करके ये सारे अंदर जा रहे। इसलिए जिथे रब का इंसाफ है उदों उत्तों की तो कोई इंसाफ ही नहीं। इसलिए हुण मैं उन्हां बारे की कहना की नहीं कहना, कई माफ़ी मंग के हाथ जोड़ के माफ़ी मंग के लम्मे पै के भजे आ। ये गुरु घर च लोगों की कचहरी च, गुरु की कचहरी च सच्चाई की जित होनी होनी। हूँ वह प्रोडक्शन वारंट मंगया जी उन्होंने वकील साहब ने, सो उन्हूं हुण लैके आउणगे, हुण पिंजरे वाली गड्डी च आऊ जी, च जाना जाण की मैं गल की सी, लै आउण सानू तां की आ, अं तो सत्कार ही करांगे भाई। हुण जदों मेरा कादा इहदे च पॉलिटिक्स दा रहेगा। आम आदमी पार्टी वालों लगातार जिहड़े शिकंजे ने अफसरां ते वी कसे जा रहे ने, रिवायती पार्टियां ते वी कसे जा रहे, उन्हां दा कहना कोई बख्शिया नहीं जाएगा। अकाली दल नूं किस तरीके नाल देखदा हुण, जिहड़ी उन्होंने कहा कि ओपन डिबेट ते वी लोग पिछे हटदे नज़र आ रहे, असीं ते खुल्ला चैलेंज कीता सी कि आ के साडे नाल शिकंजा तां मेरा वी इहनां ते कसिया जा रहा। जैन साहब इहनां दे मंत्री साहब पहलां अंदर हो गए, उस तो मगरों मनीष सिसोदिया हो गया जिहड़ा इहनां दा आईज एंड ईयर सी अरविंद केजरीवाल दा, संजय सिंह हो गया, हुण तां दो तीन ही रह गए आ, इन्हां दी गिनती तां इन्हां दी पुट्ठी शुरू। और मैं समझदा कि पंजाब च भी बड़ी छेती इंडिपेंडेंट इनकुआइरी CBI इनकुआइरी लिकर माफिया ते चल रही है, उहदे च भी कई अफसर ने जिन्हां ने इन्हां दी मदद कीती है, कैप्स ने अर्गियां दे, उन्हां एक्सपोज होना। और किस तरह जिन्हां ने दिल्ली च फायदा लिया वह भी एक्सपोज होणगे, और नाल ही माइनिंग च जिहदे च हरजोत बैंस का सीधा ही नाम आ रहा, फॉरेस्ट लैंड च आप दे बेनामी जिहड़े क्रशर चला रहे आ हो, और वो SSP विवेक सोनी की खिचाई हुई हुई है कोर्ट चो, जस्टिस शरावत साहब की कोर्ट चो, कि तू ट्रक ड्राइवर नू फड़ लिया, तो ट्रक ड्राइवर तो माइनिंग करनी, मनजिंदर लालपुरे का केस है, बड़ी केस ने इन्हां दे माइनिंग दे। इसलिए इहदी च भी बड़ी छेती माइनिंग चो कित्थों 20,000 करोड़ कमाउणा सी, कित्थों कमाई तो आम आदमी पार्टी के दफ्तरां च जा रही, ये सारी चीज़ां एक्सपोज हो। 2024 इलैक्शनां दा मेरा वीर मगरों कर लाँगे, मेरे दो वड्डे मुद्दे ने, जो कनेडियन एम्बसी 41 अफसर वापस हो गए, मैं समझदा पंजाब नाल बहुत वड्डा इहदा पंजाब नूं, नौजवान स्टूडेंट्स नूं, और पंजाब दे जिहड़े बाहर कैनेडा च सैटल्ड है उन्हां लोकां नूं बड़ा वड्डा नुकसान होना। मैं बार बार इस गल नूं रेज़ कर रहा कि पंजाबी नूं एक पग वाले नूं आर्थिक तौर पर, सोशल तौर पर, धार्मिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा। इस गल का मैनू दुख है, किसी कोई गलती करता उहदे खिलाफ़ कार्रवाई होवे,
मगर उहदे लई सारी कम्यूनिटी क्यों सफर करे। इन्ने लोकां दी सारा करियर दाते लग गया, कईयां ने परिवार च वापस आना। इत्थे आ महीनियां च NRI बहुत वड्डी गिनती च आउंदी और साडी जिहड़ी आर्थिक पंजाब सूबा उहदी आर्थिक व्यवस्था च बहुत वड्डा योगदान NRI भरावां। अज ओ 41 अफसर जद विड्रॉ हो गए, चंडीगढ़ च जिहड़ा कौंसलेट उह चो काम बंद करता। सिद्धी तो सीधी मैं समझदा पंजाब के स्टूडेंट्स नूं ते पंजाब दी जनता नूं बड़ा वड्डा इहदा नुकसान। और सेम वितकरे च एक बासमती की एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ां नूं लैके। और कल भी जो विधानसभा च होया इलीगल सैशन सी, मैं तो पहला तो कह रहा सी चलो मैं धन्नवादी हाँ कि MLA मजीठा गनीब कौर जी इहदे च नहीं हिस्सा बने। सारिआं नूं आपदा पत्ता इहदे ते क्लेम नहीं करना चाहिए क्योंकि 1-1.25 करोड़ रुपया खर्च आउंदा। और यह पैसों की रिकवरी इस सैशन की भी पिछले सैशन की भी रिकवरी भगवंत मान की जेब चो होनी चाहिए। और SYL के मुद्दे पर घटिया राजनीति सुप्रीम कोर्ट से तुसी हक च बयान दो, इत्थे डिबेटा की ते विधानसभा की घटिया राजनीति करो और उहदा जिक्र तक ना करो। आम आदमी पार्टी का चेहरा एक्सपोज। नवंबर च दोबारा सैशन बुलावा? नहीं, नवंबर से की उहदा करोगे जी, जो ऑलरेडी सरेंडर कर गए। सैशन बुलाउण सैशन बुलाउणा उहनां दा हक है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जो कर रहे हो।